اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بدرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دے لائق ریاضت دے لائق وحدت دے لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولاں نیر تابا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اُتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسے سانو جہنم کو بچان واسے جنت درستہ دکھان واسے اپنی مقدس اور متحر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا اللہ پاک لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دے اندرو جس آیا کریمہ نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ پاک نے اس مقدس مقام دے اندر ایک بات دی خبر دیتی ہے ایک بات دا پیغام دیتا ہے فرمایا لوگو اگر تسی اللہ تعالیٰ دیاں بڑیاں نافرمانیاں تو بعد آ جاؤ بڑے گناہاں تو بچ جاؤ تو چھوٹیاں غلطیاں چھوٹے گناہ سگیرہ گناہ جڑے نے فرمایا میں تو انہوں
उन्हां दे अंदर वैसे ही माफ़ी दे देंगा और सिर्फ गुनाह ही माफ़ नहीं करांगा बल्कि फरमाया मैं तुहानू इज्जत वाला मुकाम अता करांगा। हजरात दुनिया दे अंदर इस बात नू बाखूबी समझिया जा सकता है, इहदे च इक पेट्रोल भी है जे कि ना, बाखूबी समझिया जा सकता है कि दुनिया दे अंदर अगर अल्लाह की जमीन दे उत्ते गुनाह हुंदा है, अल्लाह दियां नाफरमानियां और बगावतां हुंदियां ने, ते उन्हां नाफरमानियां और उन्हां बगावतां दी वजह तो जमीन दे अंदर फितना और फसाद पैदा हुंदा है। और अगर अल्लाह दी जमीन दे उत्ते जुल्म कीता जाए तो उस जुल्म दे असरात जेड़े ने जानवर इंसान हैवान और परिंदियां दे उत्ते भी उन्हां दे असरात हुंदे। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला बयान करदे ने कि जदो अल्लाह दी जमीन ते जुल्म कीता जाए तो उस जुल्म दी वजह तो सरखाब यानी परिंदे अपने घोंसलियां दे अंदर ही मर जांदे। हजरत अता बिन अबी रबा रहमहुल्लाह तआला और दीगर हजरत मुजाहिद रहमहुल्लाह तआला हजरत इकरमा वो भी इस बात नू बयान करते ने कि जदो अल्लाह दी जमीन ते जुल्म हुंदा है, अल्लाह ताला दियां नाफरमानियां कीतियां जांदियां ने, बगावतां कीतियां जांदियां ने और हजरत इंसान बड़े बड़े गुनाहां नू करन लगिया हया नहीं करदा तो अल्लाह ताला दियां सारियां मखलूकात जिहड़ियां ने उहदी जलन नू महसूस करदियां और फरमाया कि उहदी जलन दी वजह तो बसा औकात ऐसा हुंदा है कि जमीन दे उत्ते हजरत इंसान ही नहीं बल्कि जानवरां दी खुराक जानवरां दा रिजक भी तंग कर दिता जांदा है, जिस दी बिना ते जानवर ये बात कहन ते मजबूर हुंदे ने कि हजरत इंसान दे गुनाहां दी सजा असी पे भुगतने आ। ये जमीन दे उत्ते फसाद जिहड़ा है इहदा अंजाम और एदे अंदर सख्तियां दे वजह तो अल्लाह ताला दियां तमाम तर मखलूकात जिहड़ियां ने वो पकड़ियां जांदियां। इस वास्ते अल्लाह दे कुरान ने जिहड़े कबीरा गुनाह ने, जिहड़े सख्त गुनाह ने, जिहड़े बड़े गुनाह ने उन्हां दी तरफ रहनुमाई कीती और आमिना दे लाल अली सलातो सलाम ने भी उन्हां दे कोलो खबरदार कीता कि उन्हां दे कोलो बचन की कोशिश करो। एदी इको बेस थोड़ी घट रख, आवाज साफ आए। इन्हां दे कोलो बचन की कोशिश करो, अगर बच जाओगे तो फिर अल्लाह की जमीन दे उत्ते फसाद नहीं होएगा, अल्लाह की जमीन ते तंगियां नहीं होनगियां। और अगर हजरत इंसान गाफल रहेगा तो फिर जमीन दे उत्ते फसाद भी होएगा, तंगियां भी होनगियां, कहतसालियां भी होनगियां, मईशत की तबाही भी होएगी, महंगाई भी होएगी, तंग दस्तियां भी होनगियां। हजरात मैं बड़े इख्तसार दे नाल अपने मजमून नू बयान करना चाहना और बड़ी तवज्जो दे नाल तुसी इन अल्फाज ते गौर करना और समझना। जगां दे पीर रब दे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद, तुहाडे कोल भी स्पीकर कोई नहीं ते मेरे कोल भी कोई नहीं, तुसी नबी अलैहि सलाम ते दरूद पढ़ दिया, मैनू दसना कि तुहाडी बैटरी ठीक है, तुहाडा आ जिहड़ा सिस्टम है ना ये ठीक है, बाकी कोई गल नहीं, वक्त दे अंदर हालात माड़े चंगे ऊंच नीच आंदी रहिंदी है, इंशाअल्लाह आ जांदी है लाइट थोड़ी देर तक, अल्लाह दे फजल दी रहमत दे नाल दुआ करो अल्लाह साढ़े मुल्क दे हालात बेहतर फरमा दे। अल्लाह 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 दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने, और ये बात समझो पहले कि कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह दे अंदर फर्क है वे कि जिन्हू अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम ने बयान फरमाया और कुरान दी ताईद उन्हू हासिल है, उन्हू
कबीरा गुनाह किया जांदा है। और जिहड़े गुनाह सिर्फ मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने बयान फरमाए और उहदे ते कोई हद मुकर्रर नहीं कीती या अल्लाह दे कुरान ने उहदे ते लानत वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं कीते, इहनूं सगीरा गुनाह किया जांदा है, छोटे गुनाह किया जांदा है। ये छोटे गुनाह नेक अमाल दी वजह तो मिट जांदे ने, खत्म हो जांदे ने, लेकिन जिहड़े बड़े गुनाह ने उहनां वास्ते तौबा जड़ी है इंतहाई जरूरी है, लाजम है। हजरात जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलातो सलाम ने जिन्हां गुनाहां दी तरफ इशारा कीता जेड़े तबाह कर देने वाले ने उन्हां दी तरफ जरा गौर फरमाई। सही बुखारी और मुस्लिम दे अंदर रवायत है, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद अली सलातो सलाम ने इन्हां दा ऐलान फरमाया और कुरान भी इस बात की तरफ इशारा कर दिया पे, मुसलमानो ईमान वालियो बड़े गुनाह अल्लाह दिया बड़िया ना फरमानिया तो हत्तुल इमकान कोशिश करके बचन की कोशिश करिया करो। कुरान ने की आखिया, सुनो कुरान दी आयत, फिर मैं अगे गल करा। फरमाया ए मेरे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, फरमाया इन तजतने बो कबाइरा मा तुनहुन अनहु नुकफिर अनकुम सय्यिआ अल्लाह दी जमीन ते रहिंदे अगर तुहाडे कोलो को मामूली गलतियां हो जांदियां ने, छोटे छोटे गुनाह हो जांदे ने, इमामे कायनात अली सलाम दे जरिए अरशवा रब ने ए ऐलान फरमाया ते पैगाम दिता। फरमाया सोनिया इन्हां लोगां नूं ए बात दस दियो ते समझा दियो, अगर तुसी बड़े गुनाहां कोलो बचन वाले बन जाओगे, इन्हां बड़े गुनाहां दे कोलो इज्तनाब जेड़ा मैं छोटियां गलतियां दा कफारा बना दियांगा और सिर्फ मैं छोटे गुनाहां दा कफारा ही नहीं बनावांगा। फरमाया मैं तुहानूं इज्जत वाला वकार वाला मुकाम अता करांगा, शान अता करांगा। हज़रात सुनना अल्लाह कुरान ने दूसरे मुकाम थे की फरमाया, फरमाया अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाइस इल्लल्लमम, फरमाया लोग ओ लोग जड़े बड़े गुनाहों तो बच जान वाले ने, कबीरा गुनाहों दे रब ने कुरान दे अंदर कई मुकाम आदुते जिक्र फरमाया। आ कुछ उलमा ने एदी तदाद को 70 दे करीब बयान कीती है, कुछ उलमा ने जनाब मुसन्निफी ने अपनी किताबा दे अंदर 50 दे करीब इन्हां नूं जनाब बयान फरमाया, लेकिन मैं सारिया दी निशानदाही ते नहीं कर सकदा। हाँ पैगंबर अलैहि सलाम दी एक हदीस दी रोशनी दे अंदर जेड़े मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने गुनाह बयान किए ने उन्हां ओ मेरी तुहाडी जिंदगी दे अंदर आम ए हालात दे अंदर पाए जांदे उन्हां दी तरह मैं इशारा करना चाहना। अगर किसी एक बंदे दे अंदर एक गुनाह भी पाया जांदा है, वह समझ ले कि वह सारे गुनाहों का बोझ देते होएगा। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने की फरमाया, आका अलैहि सलाम फरमाते ने इज्तनिबू सब अल मुबिकात, फरमाया लोगो सत गुना ऐसे जड़े हलाक कर देने वाले, सत गुना ऐसे जड़े तबाहियां मचाने वाले, उन्हां दे कोलो बच जाओ जड़े मईसत नूं तबाह कर देंदे ने, जड़े बेबरकतियां दा जरिया बनदे ने, जिन्हां दी वजह तो फसाद पैदा हुंदा है, जिन्हां दी वजह तो अल्लाह दी सख्तियां ते नाराजगियां नाजल हुंदी है। फरमाया उन्हां सत्तां गुनाहां दे कोलो बच जाओ। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे सियाबा कीला सोनिया पैगंबर अलैहि सलाम नूं कहा गया, मा हुन्ना सोनिया ओ केड़े गुनाह ने जिन्हां दे बारे अंदर तुसी इन्ने सख्त अल्फाज नाल तंबीह फरमा रहे हो। ओए तबाह कर देने वाले, हलाक कर देने वाले, बर्बाद कर देने वाले सत्तां गुनाहां दे कोलो बच जाओ। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने नहीं आखिया
ओए गुनाहों वाली जिंदगी छड़ दियो तबाही मचा दें दिए मेरे पैगंबर ने निशानदही की थी है जेड़े गुनाह हलाक कर देने वाले ते तबाह कर देने वाले ने मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम फरमा दे ने उन्हां दे अंदर पहला गुनाह केड़ा वे अल इशराक बिल्लाह अल्लाह ताला दे नाल शिरक करने वाला बंदा जेड़ा एक कबीरा गुनाह दा मुर्तकिब हुंदा जे अल्लाह ताला दे नाल शिरक नहीं करना शिरक वाली बीमारी दे करीब नहीं जाना अल्लाह दे नाल शिरकत वाला मामला जेड़ा अल्लाह दी कसम है हर लिहाज दे नाल सब तो पहले बड़ा गुनाह जेड़ा ए शिरक है जेड़े बंदे दे अंदर शिरक पाया जांदा जेड़ी बीबी दे अंदर शिरक वाला मामला पाया जांदा सोनियो ओदे दीगर अमाल जेड़े ने अल्लाह ताला ते उन्हां नूं कबूल ही कोई नहीं ना कर दे बड़ा नेक बंदा बड़ा नमाजी बंदा वे लेकिन ओदे अकीदे दे अंदर अगर शिरक शामिल है ना कुरान ओदे बारे अंदर की ऐलान करदा है पिया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने 18 नबियां दे नाम गिनवाए ने 18 नबियां दे नाम गिनवाण तो बाद अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही वलौ अशरकु लहबिता अनहुम मा कानू यामलू जलाल वाली कराम ने अपने नबिया के नाम लैन तो बाद फरमाया ए मेरे नेक बंदे जिन्हों मैं हदायत अता फरमाई ओ लोग ने वलो अशरकूल हबितानुहुम मा कानू यामलून अगर इन्हों दे कोलो भी सिरक वाली बीमारी अगर इन्हों कोलो भी सिरक वाला गुनाह हो जाए सिरक वाली गलती हो जाए अल्लाह फरमाते ने ला हबितानुहुम मा कानू यामलून मैं इन्हों दे भी सारे दे सारे माल बर्बाद करके रख देंदा अल्लाह 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 दे कुरान ते गौर करे आजे मेरे पैगंबर ले सलाम नु रब की फरमांदे ने पे फरमाया वाला कद उहिया इलैका व इललजीन मिन कबलिका लइन अशरकता लयहबतन अमलुका व लतकूनन मिनल खासिरीन गुनाह जेड़ा एदे तो अल्लाह पाक ने इस कदर मोहताद फरमाया जे इस कदर जनाब इतनाव करने दा ते डराया इस गुनाह तो अल्लाह फरमाते ने सोने असी तुहाडे वाल भी वही फरमा रहे हैं तुहाडे तो पहलिया नबियां दी तरह भी वही फरमाई है ला इन अशरकता ला यहबतन अमलुका अगर गुनाह शिरक वाला हो गया अगर अल्लाह दे नाल शिरक वाली गलती हो गई फरमाया ला यहबतन अमलुका मैं तुहाडे सारे अमाल नूं ज़ाया कर दियांगा सोनिया ए शिरक वाला गुनाह ऐसा गुनाह है ना अगर बंदे दे नामा अमाल दे अंदर अकीदे दे अंदर शामिल हो जाए नमाज़ां पढ़ियां ज़ाया हो जांदियां ने कुरान दियां तलावतां ज़ाया हो जांदियां ने रोजे रखे सारे दे सारे ज़ाया हो गए ने सदका तो खिराज सब ज़ाया हो गए ने रातां दा क़याम सारा बेफैज़ जाएगा इन्नू कोई जनाबे दा फायदा नहीं होएगा क्योंकि रब फरमाते ने जो शिरक वाली बीमारी आ जाएगी ए शिरक वाला गुनाह ते जुर्म आ जाएगा इस जुर्म दे इवज दे अंदर मैं सारे नेक अमाल बर्बाद करके रख देंगा और सिर्फ दुनिया दे अंदर ही नहीं बल्कि आखरत दे अंदर ओदे बारे अंदर की ऐलान कीता फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हरम अल्लाह अलैहिल जन्ना फरमाया लोगो मैं मुशरक बंदे ते अपनी जन्नत जी हराम कर दिता वे फरमाया क्यों हराम कर दिता वे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हां दे कोल गुनाह ने जिन्हां कोल गलतियां ने जहन्नम दे अंदर जाणगे एक वेला आएगा अल्लाह पाक उन्हां नूं उहदा जनाब सजा देण तो बाद जन्नत दे अंदर दाखिल कर देवेगा लेकिन फरमाया लोगो शिरक ऐसा जुर्म है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हरम अल्लाह अलैहिल जन्ना माया मैं ओदे ते जन्नत नूं ओंजी हराम कर दिता वे जहन्नम दे अंदर रहेगा ते हमेशा वास रहेगा जन्नत दे अंदर नहीं जाएगा और मुशरक पता किनू आंदे दे जेड़ा बंदा रब नूं भी मनदा होवे ते रब दे नाल ओदे
इख्तियारात दा हिस्सेदार गैर नूं वी समझदा होवे। ए ना समझे अज आ हिंदू जिहड़े ने ए ही मुशरक ने, ऐ यहूदी जिहड़े ने ए ही मुशरक ने, ओए मजूसी ते ईसाई जिहड़े ने ए ही मुशरक ने। नहीं सुनिया शिरक इस चीज नूं किया जांदा है कि किसे दे नाल किसे नूं हिस्सेदार बनाया जाए, ओनू वी मन्निया जाए ते इहनू वी मन्निया जाए। शराकतदारी दे अंदर किसे नूं हिस्सेदार बना लईए, जदों हिस्सेदार बना लिया वे ते इहनू ही ते शिरक किया जांदा है। नाल जिन्ने ते रब नूं मन्निया ही नहीं ओनूं मुशरक नहीं आंदे, ओनूं काफर आखिया जांदा है। तवज्जो मेरे वाल रखो जरा, लैट आए ना आए तुहाडी तवज्जो मेरे वाल रहनी चाहीदी, गल समझ दे अंदर आवे। अल्लाह अल्लाह जिहड़ा बंदा शिरक शिरक आंदे इहनू ने अल्लाह नूं वी मन्नदा ते अल्लाह दे नाल गैर नूं वी मन्नदा, अल्लाह नूं ही मुख्तारे कुल मन्नदा ते नाल गैरां नूं वी हिस्सेदार मन्नदा। सोनिया इहनू ही शिरक किया जांदा ना। अल्लाह ताला दी सिफात नूं गैर दे अंदर भी तस्लीम करदा है। कुरान आंदा इन्नल्लाह ला यगफिरु अय्युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीनां। अल्लाह ज़ुल्जलाल फरमांदे ने सारे गुनाह माफ किए जा सकते ने, सिरक माफ नहीं किया जा सकता। ओए इबादत दा हकदार सिर्फ मेरे तेरे रब दी ज़ात है। सजदा ओनू लायक है ते सिर्फ ओनू ही करना है, रुकू ओनू लायक है ते सिर्फ ओनू ही करना है, रोजा ओदे वास्ते रखना लायक है ते ओदे वास्ते रखना है। अल्लाह अल्लाह नेकी करनी है ते सिर्फ ओदे वास्ते क्योंकि ओनू ही लायक है। ओए ओही सब तो ज्यादा बेहतरीन अजर अता करने वाले। ते सोनिया कई बंदियां नूं भुलेखा ये लग गया वे, मेरे वीर बड़े बड़े प्यारे लेकिन गलती दे उते कहिंदे ने असी रब दी इबादत करने आ। अगर असी खैरा दे कोलो जाके सवाल करने आ, अगर उहनां दे सामने जाके दुआ करने आ, असी ते उहनां नूं वसीला बनाने आ रब वास्ते। पहली गल ए जे सुन लवो, दुआ जिहड़ी ए इबादत दे अंदरों बाहर नहीं जे। हर किस्म दीआं इबादतां जिहड़ियां ने कौली फेली बदनी आता सिर्फ अल्लाह वास्ते। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यि, सारियां इबादतां अल्लाह वास्ते। ओए दुआ जड़ी ए भी ते इबादत है ना। आमिना दिलाल ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। कुरान की आंदा वा काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। मैं बड़े एक सार देना अपनी गल समझाना ते मुकाना चाहना। कुरान ने आख्या दुआ भी इबादत है। हुण कदे जे किसे दे कोलो दुआ कीती जाए माना की ओदी इबादत कीती जा रही है ते इबादत अल्लाह तो अलावा गैर दी जायज, अल्लाह तो अलावा खैर दी इबादत जायज नहीं जे। सोनिया कई बंदे गलती ते भुलेखे दे अंदर कहिंदे ने लो जी अल्लाह ताला नूं सुनाना है, आए छत ते चढ़ना ते सीढ़ी दी जरूरत है, जज नाल गल करनी है ते वकील दी जरूरत है, अगर किसी बड़े दे नाल गुफ्तगू करनी है ते उहदे पीए दे नाल गल करनी पैंदी है, पहले मुलाकात करनी पैंदी है, फिर उहनां दे उहनां तक जनाब बंदे दी रसाई हुंदी है, फिर उत्थों तक बंदा पहुंचदा ते अल्लाह नाल जदो बंदा अल्लाह ताला दी तरफ अपनी निस्बत कर लैंदा है, अल्लाह ताला दी तरफ आ जांदा है, अल्लाह दे करीब आ जांदा है। अल्लाह पाक इस बात का मुख्ताज नहीं कि किसी गैर की सिफारिश के नाल ही सुन दे। अल्लाह दी जनाब सिफत है, ओ समी भी है ते बसीर भी है, वेंदा भी है ते सुनदा भी है। सोनिया तू कहना फिर मनदा तेरी ना, मैं कहना अगर तेरी नहीं मनदा ते फिर मैनू दस सही ना, जेड़े बुजुर्ग दे कोल जाके सवाल करना पिया ओ तेरी मन लवेगा, ये केड़ी गरंटी है। आ दुनिया ते बंदा कहिंदा ना
हाजी साहब मैनू तुहाडे कोल 2000 रुपया चाहिए। हाजी साहब आंदे ने मेरे कोल कोई नहीं, जा कम कर जाके केड़ा 2000 लैन आ गया। इत्थे बाबे होरी 500 देने वास्ते तैयार नहीं। उत्थे जाके कहना बाबा जी लखां दी सिफारिश कर दिओ, पुत्र दी सिफारिश कर दिओ। मैं कहना वा बाबे होरा देखो तेरे कोल केड़ी गरंटी है बाबा अगे सिफारिश करेगा। ये ते तेरी मिसाल दा जनाब मसले दा टसला, लेकिन हकीकत गल की है अल्लाह गुनाहगारां दी वी सुनदा, खताकारां ते सिया तो जो मेरे वारा खुदारा जुमा पढ़िया जा रहा, सियाकारां दी वी सुनदा, बड़िया दी वी, छोटिया दी वी, मर्दां दी वी, मर्दां दी वी ते औरतां दी वी। अगर मैं इस गल नूं मन लवां कि जज वकील तो बगैर गल नहीं सुनदा, अगर मैं तेरी इस गल नूं मन लवां कि कोई अफसर अपने पीए तो बगैर गल नहीं सुनदा, मैं कहना वा पहली गल ए जे अल्लाह पाक ने कुरान दे अंदर फरमाया फला तजरिबू लिल्लाहि अमसाल, अल्लाह वास्ते बंदियां दी मिसाल नहीं दई दी, अल्लाह ताला बंदियां दी मिसाल तो मुबर्रा वे। दूसरी गल ए वे अगर इस गल नूं मन लिया जाए तो मैनूं दसो ना दुनिया के अंदर किहड़ा ऐसा जज है जिहड़ा एक वेले दे अंदर कईआं लोकां दीआं गल्लां सुन लैंदा वे। मेरा रब इस बात दा कादर है, पूरी दुनिया एक मौके दे अंदर अल्लाह दे कोलों सवाल करदी है भई मेरा रब सारिआं दी सुनण ते कादर है। जजां दीआं मिसालां दित्तीआं जा रहीआं ने, किहड़ा ऐसा जज है जिहनूं सारिआं लोकां दीआं बोलीआं आउंदीआं, आ कोई जनाब आके अंग्रेजी बोलदा, कोई फारसी, कोई पश्तो, कोई सिंधी, कोई बलोची, ये अलग अलग जुबाना ने। एक वेले दे अंदर कई जुबाना बोलिया जांदी है, सारे जज नहीं सुनते, सारे बुजुर्ग भी नहीं सुनते, आ सारे जनाब लोग नहीं सुन सकते। अगर एक वेले दे अंदर सारिया दियां बोलियां सुन सकता है तो अरश वाला रहमान सुन सकता है, तो हर किस्म दियां बोलियां नूं अगर समझदा है ओही रहमान समझदा वे। इस वास्ते साडी दावत की है अल्लाह वाला बन जाते, अल्लाह नूं बुलाया कर ते पुकारिया कर। जेड़ा आंदा कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अल्फुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बड़ा ही गुनाहगार है, बड़ा ही खताकार है, बड़ा ही सियाकार है, गलतियां दे ढेरे दे को लगे ने। मेरे रब फरमांदे ने मेरी रहमत तो मायूस ना हो, मेरे दरवाजे ते आ जा, रात आ जा, दिने आ जा, सुबह आ जा, शाम आ जा, जेड़े मर्जी वेले दे अंदर आ जा, ते जेड़ी मर्जी बोली दे अंदर आ जा। मंगना तेरा कम है, अता करना मैं अरश वाले रहमान दा कम। ओए सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल, ओ हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल, चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल, ओए बोल अंग्रेजी पावे फारसी च बोल, उर्दू सराकिया बनारसी च बोल, ओए सारिआं दी अल्लाई पुकार सुनदा, ओए सारिआं दी अल्लाई पुकार सुनदा, वारो वारी नहीं जे इको वार सुनदा। ओ कहिंदा नहीं जे ठहर जाओ साहीवाल वालिओ, तुसी पहले बोलो खाने वाल वालिओ, ओ कहिंदा नहीं जे ठहर जाओ लाहौर वालिओ, तुसी पहले बोलो आप शौर वालिओ, ओ कहिंदा नहीं जे ठहर जाओ सखर वालिओ, तुसी पहले बोलो हाँ पखर वालिओ, ना लैन ना कितार ना तू तकरार, ना वेला मखसूस ना मंगल एतवार, ओनू जदो भी पुकारो ओ पुकार सुनदा, ओनू जदो भी पुकारो ओ पुकार सुनदा, ओ सत्तार ते गफार ते कहार सुनदा। अल्लाह अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने की फरमाया, पहला सब तो बड़ा गुनाह अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करना, अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करना, अल्लाह दी जात ते सिफात दे अंदर किसे नूं शरीक नहीं समझना। सोनिया तू कहेगा अल्लाह भी सुनदा है ते असी भी ते सुनने आ ना, असी ते मेरे ते तेरे अंदर ते रब दे सुनन दे अंदर बड़ा फर्क है। मैं तू इत्थे बैठी हां ते सुन सकने आ, वेखो ना छत
दरमियान दे अंदर आ गई है। औरतां उत्ते अगर तशरीफ फरमान है तो मेरी आवाज बड़ी मुश्किल दे नाल उन्हां तक रा पहुंचदी है, या एवे समझो ना कि कोई बंदा जनाब इत्थे बैठा है ते एक सौ वाले बैठा है, इत्थे बैठा बंदा जेड़ा है सौ वाले नूं कोई नहीं सुना सकदा जिन्नी देर तक मोबाइल ना होवे, जिन्नी देर तक कॉल ना कीती जावे। मैं तू सुनन सुनाने वास्ते किसी चीज दे मुहताज, पर मेरा रब किसी चीज का मुहताज, बोलो बोलो मुहताज। अल्लाह ताला कुरान दे अंदर की फरमांदे ने 28 बार फरमाया आलम तालम अन्नल्लाह यालम मा फिस समावाति वल अर्दी मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका। ए जड़ी चीज है ना जड़े बंदे दी समझ दे अंदर आ गई, यकीन जानो ओ बंदे दे अमाल छोटे बड़े अल्लाह कबूल फरमा लेंगे, ते जड़ा इहदे अंदर कमजोर है ओ बंदे दे अमाल बड़े कवी भी होणगे ते जाया हो जाणगे। अल्लाह दा कुरान की अंदर रब फरमांदे ने सोनिया क्या तुहानू इस बात दा पता है, इन्हां लोगां नू दस दिओ जदों आपस दे अंदर सरगोशियां करदे तीन बंदे अज इकट्ठे होके बैठे ने। आका अली सलातो सलाम ने रब ने कुरान दे अंदर दसिया 28 सिपारा पहली सूरत ते पहली सूरत दा दूसरा रुकू इथों शुरू हुंदा पिया। अल्लाह दा कुरान की आंदा तुहानू इस बात दा पता वे जान दिओ जदों तीन बंदे इंज बैठे ने ते आपस दे अंदर हौली हौली गल्लां करदे ने सरगोशियां करदे ने, फरमाया ओ तीन ए ना समझना सी तीन चौथा उहनां दे अंदर रब है। फरमाया अगर चार बंदे ए कुरान दी आयत दा तर्जमा जे अगर चार बंदे आपस गल्लां करदे ने पे फरमाया ए ना समझियो असी चार ही आ। फरमाया सुनन वाला तुहाडे अंदर पंजवां रब है। फरमाया अगर पांचो ते छेवां तुहाडे अंदर रब है। फरमाया इहदे तो थोड़े होण भावे ज्यादा होण अपने रब नूं नाल समझिया जे। सोनिया तू मैं आपस दे अंदर सरगोशियां करिए ओए रब उहनां सरगोशियां नूं सुन दावे ते तू उस रब नूं पुकारे ते तेरी मेरे पुकार रब क्यों नहीं सुनदा। ओए पुकारिया कर उहदे सामने तरले पाया कर, तरले मिन्नता करी जाया कर, बुलाई जाया कर, उहनूं कही जाया कर। बल्कि मेरे आका अली सलाम फरमाउंदे ने अगर तेनूं गल समझ दे अंदर नहीं आउंदी तेनूं बड़ी परेशानी मजबूरी तकलीफ आ गई है सजदे पै जा तू जमीन दे कन दे अंदर तस्बीहां तरीफा करन तो बाद दुआ पिया करना है। ए ना समझी मैं सफ नूं सुना रहा मुसल्ले नूं सुना रहा। फरमाया जमीन दे कन दे अंदर सरगोशियां तू करना पिया इन्हां सरगोशियां नूं अरश वाला अपने अरश ते पिया सुनदा वे। शिरक वाली बीमारी जेड़ी एदे तो बच आ जे। ते दूसरा गुना अल्लाह दे कुरान ने की बयान फरमाया, फरमाया वसेहर दूसरा गुना जादू, जे जादू करना ते करवाना, जादू करना ते करवाना कुरान की आंदा ए कुफर है, जादू वाले पासे नहीं टुरना। नबी सलातो सलाम फरमाते ने जेड़ी बीबी जेड़ा बंदा जादूगर दे कोल गया, फाल कढ़न कढ़ाण वाले दे कोल गया, टेवे लान लुआन वाले दे कोल गया, हाथ वेखन वखाण वाले कोल गया, फिर ओदी गल ते उहने यकीन रखिया ईमान रखिया। फरमाया उस बंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आउण वाली वही दा इनकार कीता, यानी उस बंदे ने कुफर कीता है। ए जादू कुफर जे मेरे पैगंबर सलातो सलाम दे सियाबा ने जादू करन करवाण वाले बंदे नूं वाजबुल कतल आखिया जे। अल्लाह अल्लाह सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला सहीह बुखारी दे अंदर रवायत है, फरमांदे ने जिहड़ा बंदा जादू करन वाला बीबी है या बंदा है वह वाजबुल कतल उहनूं कतल कर दिता जाए। और सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन्हां दी एक अपनी कनीज है जिन्हें इन्हां दे उत्ते जादू कीता वे, अल्लाह अल्लाह इन्हां ने इहनूं कतल करवा। इतना बड़ा गुनाह है इस्लाम दे अंदर कतल जिहड़ा है ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन फरमाया जिहड़ा बंदा मुसलमान हो के जादू करदा करवांदा है जादू सीखण वाला बंदा वह मुसलमान नहीं रहिंदा बल्कि काफर हो जांदा है। और कुरान ने सुबात दा ऐलान कीता है, फरमाया वत्तबउ मातुल शयातीन अला मुल्क सुलेमान व मा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। इस जादू नु अल्लाह दे कुरान ने
कुफर आके वमा कफर सुलेमानो वलाकिन शयातीन कफरु युअल्लिमून अन्नास सिहर। फरमाया मेरे सुलेमान ने कुफर नहीं किया, जादूगरी नहीं की, शैताना ने कुफर किया, शैताना ने जादूगरी की और लोगों को युअल्लिमून अन्नास सिहर लोगों को जादू सिखाया करते सन, ऐ उन्हां दा कुफर है। फरमाया वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिल हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुल फला तकफुर। अल्लाह दा कुरान आंदा वे अगर ओ फरिश्ते जादू सिखाया करदे सन ते सिखण वालियां नूं कहिंदे सन यार असी ते अजमैश दे अंदर तुसी ते कुफर ना करो, असल गल की है। तुहाडा टाइम मैनूं नजर नहीं आंदा, की टाइम हो गया भला दस्सो जरा, दस्सो 9 मिनट जो खैर चल। अल्लाह 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 जुल जलाल वल इकराम ने हजरत आदम अलैहि सलाम नू बनाया, आदम अलैहि सलाम नू पैदा किया, तो फरिश्ते वेंदे ने आपस दे अंदर जनाब लड़ाइया करते, खून खराबे करते, फसाद करते ने, ते कहिंदे ने एक कैसे बंद, अल्लाह ने इन्हां नू अशरफुल मखलूकात बनाया ते दुनिया ते जाके फसाद कर दे। मेरे रब ने जिन्हों अशरफ आखिया, मेरे रब ने मेरा तेरा दिफा किया, उस रब की गैरत करिया कर, उस रब की ताबेदारी फरमा बरदारी करिया कर। अपने फरिश्तों को कहने लगा मेरे रब ने फरमाया अगर तुसी हजरत इंसान दी अजनब हरकत दे उत्ते ओए तुसी इतराज कर दियो, फिर केंज करो ना अपने च दो फरिश्तों का इंतखाब कर लो जिन्हां ते तुहानू बड़ा इतमाद है, मैं उन्हां दे अंदर इंसानी हिरस नू शामिल करना चाहना, तो फिर आजमाना वा तुसी की कर दे। अल्लाह अल्लाह दो फरिश्तों का इंतखाब किया गया, एक हारूत ते दूसरे का नाम मारूत। कुरान ने जिन्हां का जिक्र फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुहाडे अंदर इंसानी हिस्स रख लगा वा, ते इंसाना दी ते मैं रहनुमाई कीती है अपने रसूलां ते पैगंबरां दे जरिए। लेकिन सुन लो मैं तुहानू डायरेक्ट कहना पिया, बिला वास्ता कह रहा वा, मेरी ना फरमानी ना करिया जे फला फला गुनाह जेड़ा इहदे कोलो बचिया जे, फला फला जुर्म जेड़ा इहदे कोलो बचिया। या अल्लाह क्यों नहीं बचांगे, इन्हां नू जमीन ते भेज दिता गया, इंसानी हिस्स इन्हां दे अंदर दाखिल कीती गई, इन्हां दी अजमैश कीती गई है, इन्हां नू ज़िना तो रोकिया गया वे, शराब नोशी तो रोकिया गया, शिरक तो रोकिया गया वे, अल्लाह अल्लाह कतल तो रोकिया गया वे। जमीन ते आए ने ते जनाब ज़ोहरा नू इन्ना वास्ते बना के अजमैशी सूरत दे अंदर खूबसूरत औरत दी शकल दे अंदर भेजिया, ये जनाब इंसानी हिस्से नाल इहदे पीछे लग गए। इन्हें आख्या मैं तुहाडे हथ दे अंदर उन्नी देर तक नहीं आवांगी जिन्नी देर तक शिरक नहीं करोगे, ना कासा शिरक नहीं करना, अच्छा है छोटा जिहा बच्चा इहनू कतल कर दियो फिर मैं तुहाडी बात नू मन लैणा, ना क्या ही भी नहीं करना। उन्हें इस बीबी ने आख्या चलो वड्डा गुनाह नहीं तुसी कर सकदे, ए बार बार दी मुलाकात दीआं बातां ने नाल ते आके ऐ शराब ही चलो पी लवो, इन्हां ने शराब पीना कहा चलो छोटा गुनाह खैर सलावे, शराब पीती है ते नशे दे अंदर आ गए, जदों शराब पीती है ते मदहोश हो गए, फिर बच्चा भी इन्हां ने कतल किया, फिर गुनाह भी इन्हां ने किया। अल्लाह पाक ने इन्हां नू जनाब सजा दे तौर ते लटका दिता, ये लटके ने ते हुण लोग इन्हां दे कोल जाके जादू सिखदे ने। इन्हां दा जिक्र रब ने कुरान दे अंदर फरमाया, ये जादू सिखाने तो पहले आंदे ने वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तको, ना कुफर करो ना जादू सिखो सिखाओ, असी ते अजमैश दे अंदर। ये जादू जेड़ा सब तो बड़ा, शिरक तो बाद सब तो बड़ा गुनाह, मेरे पैगंबर ने बयान फरमाया, फरमाया तबाह कर दिंदा, हलाक कर दिंदा, ये जादू बर्बाद कर दिंदा, ईमान उस बंदे चो निकल जांदा जेड़ा जादू सिखदा, जादू करदा करवा। अल्लाह अल्लाह तबाही उस घर के अंदर, तबाही उस इलाके के अंदर जिथे जादूगर रहिंदा। इस वास्ते नबी दे सहाबा ये फतवा दिया करते सन जादूगर बंदे नू कतल कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे बंदे नू कतल करना रियाया दा काम नहीं बल्कि वक्त दे हाकम दा काम है। अल्लाह अल्लाह फितना जेड़ा एदे ते भी बचना वे, तवज्जो करिया तीसरा गुनाह केड़ा, आमिना दे लाल अली सलाम फरमांदे ने वा कतलु नफ्स लती हरम अल्लाह इल्ला बिल हक, जेड़ी जिदी हुरमत अल्लाह पाक ने बनाई है किसी भी जानू ना हक कतल करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह, जे किसी का कतल करना कबीरा गुनाह, जे किसी का कतल करना। गल गल ते तैस दे अंदर आ जांदा है, गल गल ते जनाब गुस, मैं तेनू वेख लांगा, मैं तेरा कख नहीं छड़ना, मैं तेनू ओए तू लभ ते सही, मैं तेरे नाल इंज कर दियांगा उंज कर दियांगा,
फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वा मैं यक्तुल मोमिन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। ओए जेड़ा बंदा किसे नु अरादतन कतल कर दिंदा वे जान बुझ के कतल कर दिंदा फरमाया ओदी सजा जहन्नम जे जहन्नम दे अंदर उनु सुटिया जाएगा। सोनियो एक गुना एवे बंदा बंदे नु कतल कर दे, एक गुना एवे के बंदा अपनी औलाद दा पिया कतल कर दे। बच्चे ज्यादा हो गए ने ते डॉक्टरां दे नाल मशवरा कर लईए हुण प्रेगनेंसी है, हुण सारे दे सारे समझदार इस बात नूं समझो मसला बयान कर लगे। अल्लाह ने हया नहीं की थी, नबी पाक ने हया नहीं की थी, इस वास्ते मसले नूं खोल के बयान करना इस्लाम ते शरीयत दी रूह है वे। अगर कोई बंदा किसे जनाब औरत दे नाल उम्मीद वाला सिलसिला हो जाए उस तो बाद हस्पताल दे अंदर जांदा है और उनू जाया करवाण दी कोशिश करदा है या जाया करवा देंदा है, ये भी इसे तरह ही कतल है जिवें कि जीवदे जागदे नू कतल कर। वला तक्तलु औलादकुम खशियत इमलाक, फरमाया लोगो अपनी औलाद नू औलाद दा कतल ना करो रिजक दे मामलात दी वजह तो, दुनियावी मामला की वजह तो इन्हां ते कतल ना करो। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस औरत दे नाल शादी करो जिहड़ी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली है। कियामत वाले दिन मैं अल्लाह ताला दे सामने अपनी उम्मत की ज्यादती दे उत्ते फखर करांगा। इस वास्ते अपने बच्चों का कतल भी जेड़ा है ये भी उस कतल दे मनसूबे दे अंदर आंदा जे जिवें किवें आम बंदे दा कतल करना वे। हजरात तीन गुना ते चौथा गुना केड़ा है? अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वा अकलुर रिबा, सूद खान वाला बंदा। तबाही जे जिहड़ी जगह ते सूद लिया जांदा है, तबाही जे जिहड़ी जगह ते सूद दिता जांदा है। जिहड़ा बंदा सूदी कारोबार करन वाला है उहदे कारोबार दी तबाही है, जिहड़ा सूद खान वाला है उहदे घर दी तबाही है, जिहड़ा सूद देण वाला है उहदे घर दी तबाही है। मैं नहीं कह रहा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया सी इज्जतन बू सबुल मोबिकाद, तबाह कर देने वाले बर्बाद कर देने वाले गुनाहों को बचो। उन्हां दे अंदर चौथे नंबर ते मेरे पैगंबर सलाम ने सूद नूं बयान फरमाया और सूदियां कई किस्म मेरे पैगंबर सलाम ने बयान फरमाई है। ये अज जनाब लोग कहते हैं जी किस्तां वाले कारोबार के बारे अंदर की ख्याल है। सैयदना हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते सन लोगो ऐ सूद जेड़ा है इतना मुसाबे चीज है कि मैं अजे तक एदियां किस्मां नूं नहीं समझ सकिया। फरमाते ने बस इन्नी गल है ये जिस तरह भी तुहानूं अगर शक शुबा पैदा हो जाए तो इहदे कोलों बचदे रहा करो। इहदी हालत एवें ही है जिवें बन्ने दे एक पासे अज ना ममानत वाली फसल होवे ते दूसरे पासे बन्ने दे नाल नाल चरण वाला जानवर जेड़ा मुमकिन है उस जगह ते भी चला जाएगा। जिहड़ी चीज मुसाबे एक हक वाजे वे एक हलाल वाजे वे हराम वाजे वे कुछ दरमियान दे अंदर ऐसियां चीजा ने जिन्हां नूं जनाब असी इख्तियार कर देने आ। फरमाया ऐसी चीज इख्तियार करन वाला बंदा भी सूद दे अंदर चला जांदा है। और कई उन्हां दे अंदाज पता कई लोग जांदे ने ऐ फलां चीज मोबाइल अक्सर लोग लैंदे ने फिर उन्होंने भी बेच देंदे ने। सैयद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे सामने ऐसा मामला पेश आया वे एक सहाबी ने अपना जनाब गुलाम बेचे 800 दिरहम दे अंदर ते तय हो गया फला वक्त तक तुसा पैसे देने ने। ये जनाब इस सहाबी नूं पहले पैसों की लोड़ पै गई, इन्हें आख्या मैं अपना गुलाम फरोखत करना चाहते ने। ये जनाब इस बंदे ने 600 चो ले लिया, 800 च दिता तो 600 च ले लिया। किन्या च ले लिया बोलो बोलो सुते सुते बोलो, किन्या च ले लिया 800 च बेचिया 600 च वापस ले लिया। वेंदे नहीं जे मोबाइल अज ना बंदे ने 40,000 50,000 का किस्तां दे अंदर देंगे तो नगदा जे 35,000 का लवेंगे उतो ही लिया तो उतो ही दे दिता उतो ही लिया तो उतो ही दे दिता। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस बात के उत्ते बड़ी जनाब नाराजगी का इजहार किया और कह लगे बर्बाद करके रख छड़िया जे दीन नूं, उन्हें भी अपने बहुत बुरा कम किया तू भी बुरा कम किया। अल्लाह अल्लाह उस सहाबी नूं पता लगे
मां जी आशा दे कोल आ गर्द कर लगा कहिंदा अम्मा जी अगर मैं वो 200 उतला जेड़ा लेना सी अगर छड़ दियां ते फिर गल ठीक है। फरमाया फमन जाओ मौइदतुन फलहू मा सलफ, अगर नसीहत आ जाम तो बाद जेड़ा बंदा इस मामले नु छोड़ देंदा वे ओदे वास्ते कोई गुनाह नहीं कोई जुर्म नहीं। अल्लाह ला इस अंदाज नु भी सूद किया गया वे हले जड़ी नगदा दी होर कीमत है उधार दी होर कीमत ये की है बोलो बोलो की है जे तिना महीनिया पैसे देने ने छिया महीनिया देने ने जे हुणे ही लैणे ते 6000 दा जे 6 महीने नूं लैणे ते 8000 दा इह वी सूद दी शकल दे अंदर आउंदा है। असल कीमत तय कर दे मैं 8000 दा ही देना हुणे ही लैणे ते हुणे लै लै 6 महीनिया नूं देने नहीं पैसे ते दे दे असल रकम जिहड़ी है इक्को ही होणी मैनूं लभदा पिया टाइम भाई साहब लभदा पिया अल्लाह अल्लाह इक्को ही कीमत होनी चाहीदी है। इह सूद दी शकल जिहड़ी इहदे कोलों बच जाओ इह साडे तुहाडे घरां दे अंदर आम हो गई असी आम इस बीमारी के अंदर मुबतला हो गया इस वास्ते सो नहीं हो ए तबाही जे बर्बादी जे उस घर दी जिस घर के अंदर सूद आ रहा ते जिस घर के अंदर सूद की कमाई आ रही सूद आए या सूद की कमाई आए सूद वाली चीज आए उत्थे तबाही है इस वास्ते इन तबाहियों तो बच जाओ। चार गुनाह मैं बयान किए सत करने सन लेकिन वो टाइम का पता ही नहीं लग्या लाइट तुर गई सी पता ही नहीं चलो बहरहाल चार गुना शिरक ये को बचना है। दूसरा जादू करना करवाना ये को बचना है। तीसरा नजायज कतल अपनी औलाद का मामला होए या किसी ने लड़ाई झगड़ा हो जाए नजायज कतल नहीं करना। चौथा सूदी कारोबार करना बोलो बोलो सूदी कारोबार करना किस्तों से माल लेना देना फिर उत्थे ही लैके उधार होर कीमत ते नगद होर कीमत खरीदो फरोखत करनी ए चार गुनाहों तो बचने की कोशिश करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह नाल वादा करो अरादा करो अल्लाह ताला बंदे की मदद कर देंदा जे। मैं कई बंदे ऐसे वेखे जे जेडे कहिंदे ने जी बस नहीं चलता तो ता जाके बैंक चुके है ए बड़ी मामूली गल समझदे जे लोग ए की करदे जी फलाने कोले भी पुछया फलाने कोले भी पुछया कमलिया जे तेरा रब ते यकीन होए तो रब तेनू दर दर का फकीर बनाए कोई साडा रब तो यकीन हो गया लोगों का यकीन बन गया। नबी सलातुसलाम ने इहदे बारे पता की फरमाया सब तो छोटा दर्जा अपनी मां दे नाल निकाह करना। मैं अदब वाले लफज बोलना पिया हदीस के अल्फाज निकाह दे नहीं लेकिन मैं निकाह दे लफज बोलना पिया। शादी वास्ते बंदे नूं रिश्ता ना मिलता होए महल्ले चो नहीं मिलिया पिंडों नहीं मिलिया रिश्तेदारों चो नहीं मिलिया है कोई ऐसा गैरतमंद बंदा जिहड़ा के मेरी मां तू मेरे नाल निकाह कर लै मेरे नाल शादी कर लै मैनूं रिश्ता नहीं पिया मिलता। सब तो छोटा दर्जा ये वे कि अपनी मां दे नाल निकाह करना मां दे नाल मां शादी वाले हक अदा करना। यार कोई गैरतमंद बंदा अगर ये बर्दाश्त नहीं करता तो सूद लैन देन लगे बंदे नू सोचना चाहिए कि नबी पाक अली सलातुसलाम ने और रब ने इनू कहा जंग करना है कियामत तलवार फड़ाई जाएगी उदे हथ दे अंदर और कहा जाएगा आ जा रब दे मुकाबले दे अंदर। किहड़ा बंदा जिहड़ा रब दे नाल कियामत वाले दिन जंग करेगा। इस वास्ते लोगो हर हाल दे अंदर हर हालत दे अंदर सूद कोलों बच जाओ सूद इनहिसार ना करो रब दे बंदियां वाले इनहिसार ना करो बल्कि रब ते मुकम्मल इतमाद ते यकीन रखो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला तुहानू कदे भी गैरां दा मुख्ताज नहीं बनाएगा। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह ताला सही मानिया दे अंदर किताब और सुन्नत नूं समझ के इहदे नाल मुहब्बत करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।